चलिए जय हिंद, एक बार फिर से आपका वेलकम है। बताए बेटा, कल के जो भी क्वेश्चंस थे वो बोले पहले, जिसको भी डाउट हो, जो कल वाले क्वेश्चन नहीं आए थे बोले। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? रूट टू प्लस वन की पावर सिक्स प्लस रूट टू माइनस वन की पावर सिक्स। बेटा इसे सिंपली क्या करना है आपको? एक्सपेंड करना है, इसका प्रसार करना है। क्लियर? अच्छा इसको लेते हैं पहले। अगर इसका प्रसार करेंगे क्या हो जाएगा? सिक्स सी जीरो, रूट टू की पावर कितना हो जाएगा बेटा? सिक्स। और वन की पावर को लिखो ही मत, क्योंकि वन की पावर चाहे जितनी हो वो हमें नहीं लिखना है। फिर क्या आ जाएगा? सिक्स सी वन, रूट टू की पावर हो जाएगा आपका फाइव, फिर सिक्स सी टू, रूट टू की पावर कितना हो जाएगा बेटा? फोर, सिक्स सी थ्री, रूट टू की पावर थ्री, सिक्स सी फोर, रूट टू की पावर टू, सिक्स सी फाइव, रूट टू की पावर वन, फिर प्लस सिक्स सी सिक्स, रूट टू की पावर जीरो। क्लियर? अब ये वाला देखें, अब इसमें लिखना जरूरी है क्योंकि क्या है, माइनस वन है। देखें तो सिक्स सी जीरो, रूट टू की पावर कितना हो जाएगा बेटा? यही रहेगा सिक्स, बट माइनस वन की पावर जीरो। इज इट क्लियर? फिर यहां पे सिक्स सी जीरो, सॉरी सिक्स सी वन, रूट टू की पावर कितना हो जाएगा? फाइव, और माइनस वन की पावर वन। सिक्स सी टू, रूट टू की पावर फोर, माइनस वन की पावर टू। सिक्स सी थ्री, रूट टू की पावर थ्री, और माइनस वन की पावर भी थ्री। क्लियर? फिर क्या आएगा? सिक्स सी फोर, किसमें अभी रुक जाओ भाई, मैंने अभी पूरा सॉल्व नहीं किया है। अभी देखे, इतना समझ में आया आपको? ये नहीं, पहले मुझे ये बताओ, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? सिक्स सी फाइव, रूट टू की पावर वन, और माइनस वन की पावर फाइव। फिर सिक्स सी सिक्स, रूट टू की पावर जीरो, और माइनस वन की पावर सिक्स। इतनी बात सभी को क्लियर है? पूरा एक्सपेंशन समझ में आया है नहीं बोले? अब देखना मैं कहां क्या कर रहा हूं बेटा। माइनस वन की पावर वन है, इसका मतलब माइनस आ जाएगा बाहर, तो इसको माइनस कर सकते हैं नहीं बोलो? क्लियर? तो यहां से हटा दें अब। चलिए वो मैंने समझाने के लिए, ठीक है। यहां पे बेटा ये तो पॉजिटिव हो जाए क्योंकि स्क्वायर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर फिर से क्या हो जाएगा? माइनस। यहां हटा दूं अभी वाला माइनस, ठीक है। अगेन ये वाला प्लस हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा? माइनस। ये वाला हटा दो अब, ये क्या हो गया? ये फिर से क्या हो गया? प्लस। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखे बेटा, ये किसका टर्म है? माइनस का। किसका है? बेटा प्लस से कैंसिल कर दो। 65 कहां पर है? ये रहा, कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा? ये वाला फर्स्ट टर्म बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। फिर थर्ड वाला, थर्ड वाला कहां है? ये रहा। क्लियर? बाकी जो है वो डबल हो गए सारे। सिक्स सी जीरो यहां पे भी है और सिक्स सी जीरो यहां पे भी है, तो इसका मतलब क्या होगा? टू कॉमन ले लो। क्या ले लो? टू कॉमन। बचा क्या? सिक्स सी जीरो, रूट टू की पावर सिक्स, प्लस फिर क्या बचा? ये सिक्स सी टू, रूट टू की पावर फोर। फिर क्या बचा? सिक्स सी फोर, रूट टू की पावर टू। फिर सिक्स सी सिक्स, और रूट टू की पावर कितना बचा? ये कहां गया? जीरो। इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? हर टर्म क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा या नहीं? क्लियर है ना? अच्छा देखो बेटा, तभी तो ये टर्म हम निकालते थे, हम कहते थे अच्छा इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे। हमने देखी पावर क्या है? इवन। क्या है? सम संख्या है, और बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। और बीच में जब प्लस लगा हुआ था तो क्या होता है? n by 2 plus 1, तो 6 upon 2 3 plus 1 कितना हो जाएगा? 4। देखो 4 ही टर्म तो आए, 1 2 3 4 बोलो, हाँ या ना? अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आप? क्लियर? नोट कर लें। नहीं कर पाएंगे बताऊं क्या? इसे हो जाएगा ना, 6c0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। रूट टू की पावर 6 है बेटा। क्या है? रूट टू की पावर 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू। एक बार मैं बता देता हूं पहले, 1 2 3 4 5 6, या फिर आप डायरेक्ट लिख दे 2 की पावर 3। अगर रूट टू की पावर 6 है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? वो हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाफ। यहां भी बेटा 2 की पावर 2 हो जाएगा, यहां 2
टू की पावर वन हो जाएगा और यहाँ तो वैसे ही भी वन होना है। क्लियर, वैल्यू रख दे आंसर आ जाएगा। चलिए नोट करें, जी सर जैसे ये प्लस था हम्म, तो अपन ये सारा एक्सपेंड कर रहे थे तो यहाँ पे प्लस लगा रहे थे हम्म, ये यहाँ माइनस है हम्म, तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस ही लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। ये समझ में नहीं आया क्या आपको मैं ये कह रहा हूँ? तो फिर वैसे ही करना है आपको, पूरा प्लस में ही होता है, ये अपने तरफ से माइनस ना लगाना। वही फिर जो वाला माइनस होता है, अगर इवन पावर हुई तो माइनस खत्म हो जाता है, अगर ऑड पावर हुई तो वो माइनस कहाँ जाता है? आगे। क्लियर भाई, फोटो मत ले जल्दी से, ये नोट कर ले। हम्म, इसका 9.5 आया था, हम्म, एक दसवां टी एट प्लस वन, ठीक है, ये निकल आया दसवां। हाँ, अब इनका क्या? कुछ नहीं, यही आंसर हो गए दोनों। हाँ, कल का क्वेश्चन, और कोई डाउट कल वाले क्वेश्चंस में बताएं। हाँ, काली टोपी, किसे? नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो जिस फॉर्म में दे रहे होंगे ऑप्शन में उसी फॉर्म में हो जाएगा। अगर आपको 12C8 सॉल्व करके दिया तो सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट हो जाएगा आंसर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ बोले, रूट एक्स माइनस रूट वाई पे घात 17 है, तो मतलब ऐसे ही करना है ना? क्या करना है उसमें, क्या कुछ दिया होगा ना? T9 और T10 नहीं निकालना है उसमें, मैंने कहा था मिडिल टर्म निकालना है, तो T9 और T10 आएगा। तो T9 कैसे निकालते हैं? T8 प्लस वन और T10, बस वैसे ही तो निकालना है। ये पूरा प्रसार होता है जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं वहीं तक जहां तक ये ऊपर वाली पावर, ये पूरा प्रसार। अगर कोई पर्टिकुलर टर्म लगाना होता, पर्टिकुलर कोई टर्म निकालना होता तो प्लस वन करके निकालते हैं। नहीं लेंगे भाई, मैंने क्या कहा, इसमें माइनस था। देखो भाई, ये हो गया नोट, तुम लोगों समझ में नहीं आ रहा है क्या माइनस वाला क्या हो रहा है क्या नहीं? फिर माइनस में दिक्कत आ रही, जैसे अपन ए प्लस बी माइनस। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुको रुको एक मिनट। देखें, सोचना नहीं है, ये लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस रूट वाई की पावर, मिडिल टर्म निकालना है तो 17 और 1 बाई 2 यही तो होगा, 19 अपॉन 2 कितना आएगा? 9.5। इसका मतलब T9 और T10 निकालना है। अब देखें, T9 निकालना है तो क्या लिखेंगे? T8 प्लस 1। अब सुने क्या होगा, 17C8। क्लियर, रूट एक्स की पावर कितना हो जाएगा ये? 17 में से 8 गया 9। अब जो लेना है वो माइनस का लो ना पूरा, अगर प्लस का है तो प्लस का लेते हैं, माइनस का है तो माइनस का लेंगे। की पावर कितना हो जाएगा ये? 8। अब ये देखो कि माइनस की पावर क्या है, ये क्या है? 8। इवन है तो खत्म हो जाएगा ये, तो नीचे क्या बचेगा? 7C8 रूट एक्स की पावर 9 और रूट वाई की पावर 8, बस ये हो गया आंसर। समझ में आया? इसे और लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो x की पावर 9/2 और इसे y की पावर 4, हाफ कर दो अगर। क्लियर, ये आंसर हो गया। ये माइनस का आपको पूरा लेके चलना है, अगर वो इवन पावर तो वैसे ही गायब हो जाएगा और ऑड है तो बाहर निकल के आ जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर, बोलो काली टोपी, तुम बोलो, तुम्हें सब आ गया सारे क्वेश्चन? कौन सा, और कोई पूछना है? चले बड़े आगे, फिर वही तुम्हारी बात, जब वो कह रहा है 9 तो 0 से क्यों स्टार्ट करेंगे सीधा यही? अच्छा। अगर वो कहता प्रसार करो तब हम निकालते हैं 0 से। समझ में आया? चले तो बेटा देखें क्या क्या हो गया। सबसे पहले हमने प्रसार करना सीखा था, फिर उसके बाद पदों की संख्या निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स,
फिर उसके बाद कोई पर्टिकुलर जनरल टर्म निकालना सीखा, फिर मिडिल टर्म, जनरल टर्म में भी बेटा स्टार्टिंग से और एंड से भी देखा था, एंड से क्या करते हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं, क्लियर। और मिडिल टर्म देख लिया, कोफिशिएंट देख लिए, इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम एक्स देख लिया, अब क्या बचा, डालो सम ऑफ कोफिशिएंट, गुणांकों का योगफल, सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट। या उससे पहले बेटा एक चीज और देख लो, डाल लिया क्या, हाँ थोड़ा और देख लो, गुणांक वाले क्वेश्चन है, अभी मत लिखो इसे, जैसे देखे एक ये लिखे, जैसे ये लिखा हुआ है 1 + x^n, क्या लिखा हुआ है 1 + x^n, इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या बेसिकली सॉल्व भी करना है इसे, क्या लिखेंगे एन सी जीरो, वन की पावर तो लिखो ही मत क्योंकि वन की पावर तो x की पावर आ जाते हैं, x की पावर क्या हो जाएगा फिर एन सी वन, एक्स की पावर वन, फिर एन सी टू, एक्स की पावर टू, यही चलता रहेगा सिलसिला, क्यों yes, सिलसिला मुलाकातों का। नाइन सी जीरो की वैल्यू, एन सी जीरो की वैल्यू वन, और एक्स की पावर जीरो वन, तो कितना हुआ वन, अरे गधे मल्टीप्लाई है ना, एन सी वन की वैल्यू एन, और ये एक्स है तो क्या हो जाएगा एन एक्स हो जाएगा या नहीं, यहां क्या बचा एन सी टू, और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, क्या है साथ में एक्स स्क्वायर, तो एन सी टू की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या बताया था एन को दो बार ओपन करना है घटते हुए क्रम में, एन और एन माइनस वन, यही तो होगा, और नीचे टू इंटू वन या टू फैक्टोरियल लिख दो डायरेक्ट, यही तो होगा, क्लियर है ना, तो ये क्या हो जाएगा एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे चलेगा या नहीं बोलो, क्लियर है ना, तो इसे नोट कर लो जल्दी से जरा, वैसे ये करना आता होगा लेकिन ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो कि 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, फिर और आएगा क्योंकि उसका यूज पड़ने वाला है, क्यों देखें यहां पे, जैसे लिखा हुआ है 1 + x^2, जैसे लिख दिया 1 + x^2 माइनस, चलो इसका कर लो 1 + x^-2, किसका 1 + x^-2, तो बेटा ये तो सेम है 1 + x, यहां पे भी है 1 + x, यहां पे भी n की जगह क्या हो गया -2, तो केवल n की जगह हमें इसमें क्या रखना है -2, चलिए तो 1 ये क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये x बना है बेटा, n और x में थोड़ा ध्यान से लिखें, फिर यहां पे -2 रखेंगे तो -2 हुआ, और ये -2 - 1 कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3x^2, क्या बचेगा 3x^2, अगला टर्म क्या आएगा माइनस का आएगा, आएगा या नहीं, वो कितना आ जाएगा 4x³, x² के बाद x³, यही होगा या नहीं, चलिए अब जैसे लिखा हुआ है 1 - x^-2, क्या लिखा हुआ है 1 - x^-2, ये लिखा हुआ है, इसका हमें क्या करना है, अब x की जगह क्या हो गया -x, यहां +x था, और n की जगह तो -2 है, तो अब सारे प्लस में हो जाएंगे या नहीं बोलो बेटा, जब एक जगह माइनस था तो प्लस माइनस हुआ, अब ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है तो पूरा प्लस में हो जाएगा फॉर्मूला, और तो सेम रहेगा, क्या हो जाएगा 1 + 2x + 3x² + 4x³, बोलो यही होगा या नहीं होगा, क्लियर समझ में आया नहीं बोल दे भाई बोल दे, चलें आप देखें, ये लिखा है 1 + x^-1, इसका करके बताओ आप लोग, ये पूरा नोट करो और ये वाला मुझे बताओ कितना आएगा इसका आंसर, इसका बताएं और इसका भी बताएं, इसका दोनों का, अच्छा अनुराग ये वाला जो है इसमें पूरा प्लस का होगा या पूरा माइनस का होगा या प्लस माइनस अल्टरनेट में होगा, ये वाला जो फॉर्मूला है बोलो बोलो प्लस माइनस क्यों बोलो क्या
ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। हाँ, तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। अरे समझ में नहीं आया क्या? सुनो मेरी बात, इसको और इसको मैच किया हमने, एन की जगह क्या है माइनस वन, एन की जगह क्या है माइनस वन, तो इस वाले फॉर्मूले में एन की जगह केवल हमें माइनस वन ही तो रखना है, तो बस वही तो करना है। देखो रखो, अच्छा तो वन हुआ ये, अब एन की जगह माइनस वन रखोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्यों आचार्य? यहां पे माइनस वन रखा, माइनस वन और ये माइनस टू हो गया, क्या हो गया? माइनस वन इंटू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो गया, टू से फिर कट गया, ये क्या हो गया? प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो हो जाएगा या नहीं? और फिर से क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब, और ये चलता रहेगा। और जब ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस आया तो पूरा किस में हो जाएगा? प्लस में। किस में हो जाएगा? प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा? वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस। क्लियर? अभी तक आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, किसका पढ़ा होगा? क्या होगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर? हाँ, लेकिन अब किसका पढ़ लिया? माइनस टू की माइनस वी पावर वाली देख ली। क्लियर? चले इसे लिखें बेटा, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन है। चले हो गया बेटा नोट। देखें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर टू है। इसमें एक्स की पावर चार का गुणांक बताना है, कोफिशियंट किसका बताना है? एक्स की पावर फोर का। क्लियर? अच्छा, अभी तक जो हम कोफिशियंट देख रहे हैं वो केवल इतने के देखे हमने, ऐसा केवल दो टर्म दिए थे और हम उनका क्या निकाल लेते थे, पहले जनरल टर्म निकालते थे, फिर उसकी कंपैरिजन जिसका निकालना होता था उससे कर देते थे x की पावर की। क्लियर? जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया है। क्लियर? अब देखें, अच्छा देखो इसे ये लिख सकते हो वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को भी वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ है ना? बोलो क्लियर है ना? अब ध्यान सुनना, ये हो गया वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब ये ऊपर आएगा तो माइनस की पावर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बोलो हो जाएगा या नहीं? इतनी बात समझ में आई? अगर ये लिखा है वन अपॉन एक्स, अगर इस पे पावर कितनी है वन, अगर ऊपर जाता है तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स की पावर माइनस वन। तो ये लिखा था वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू। क्लियर? चले तो अब देखें, अच्छा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? बोलो बोलो भाई, कोई बोलेगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स, कितना? माइनस टू एक्स। क्लियर? अच्छा इसका भी फॉर्मूला लिखवाया मैंने, लिखवाया है नहीं, क्या लिखवाया? वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स क्यूब थ्री एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स क्यूब, फिर क्या लिखवाया, फिर क्या आएगा 5x की पावर 4 आएगा, ऐसे ही तो चलेगा या नहीं? हमें इसमें क्या निकालना है, 3x स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये 4 है, ठीक है। चलें अब हमें क्या निकालना है बेटा, x की पावर 4 का कोफिशियंट, मतलब जिनको गुणा करने पर क्या आ जाए, x की पावर 4। बेटा 1 का मल्टीप्लाई इसमें कहां पर कर दें कि x की पावर 4 मिल जाएगा हमें? तुम बोलो, वन का मल्टीप्लाई कहां पर कर दे कि एक्स की पावर चार आ जाए?
इसमें करोगे ना तो 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे क्या आएगा 5x की पावर 4, तो इसका गुणांक कितना हुआ x की पावर 4 का 5, कितना हुआ 5, हमें वो नहीं लिखना है, क्लियर। अच्छा एक्स स्क्वायर का कहां पर करोगे कि हमें x की पावर 4 मिल जाए, कहां पर, इसमें करोगे ना तो एक्स स्क्वायर एस टू कितना हो जाएगा इधर 3, बोलो हाँ या ना। इसका कहां पर करोगे, इसमें होगा या नहीं, तो माइनस टू और माइनस फोर कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 और माइनस माइनस प्लस, और कहीं और आएगा क्या, बस क्या हो गया 8 × 3 = 11 + 5 = 16, ये एक्स की पावर 4 का गुणांक हो गया 16, आंसर हो गया, क्लियर। नहीं आया कहां पे, क्लियर नहीं हुआ पूरा, बोला तो करो भाई, मुंह से वीडियो बन रहा है इसका मतलब क्या इशारे में बात होंगी क्या, नहीं ये इतना समझ में आया कहां से, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई, मैं अभी बोलता जा रहा हूं कि अगर वन एक ये लिखा हुआ है, जब ऊपर से नीचे से पावर ऊपर जाती है तो क्या आता है, तो वही तो लिखा है, ये लिखा था 1 − x² ये ऊपर गई तो किसका हो गया माइनस का, इसका फॉर्मूला रख दिया ये और इसका यहां पर रख दिया अभी बताया था, अब किन किन का गुणा करने पर एक्स की पावर 4 मिल रहा, वो जोड़ दिए सब, मुझे एक चीज बताओ, ये लिखा है 1 + x, ये लिखा है 3 + x², गुणा कर बेटा जरा, इसका इसमें कर कितना आएगा 3 × 3 = 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ×
गधे। ये पहले थ्री हुआ, फिर ये क्या हुआ, थ्री एक्स। कहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, फिर एक्स स्क्वायर का इसमें हुआ कितना आया, एक्स स्क्वायर। फिर इसका इसमें आया कितना आएगा, एक्स क्यूब। समझ में आया। मैं इसमें पूछूं एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, तो बोलो कितना है, एक्स क्यूब का गुणांक कहाँ, एक्स क्यूब कहाँ लिखा हुआ है, तो इसका गुणांक कितना है इसके आगे, एक। तो गुणा करके ही जब टर्म निकाले तभी तो आएगा। तो ऐसे ही अगर हमें x की पावर चार चाहिए तो जब इन इनका गुणा होगा तभी तो x की पावर चार मिलेगा, इसलिए हमने वो गुणा करके यहां लिख दिया। फिर देखा कि x की पावर चार कहां मिल रहा है, वो भी जोड़ दिया। ऐसे देखे कि जहां जहां मिल रहा है x की पावर चार उनको सबको जोड़ दिया। चले हो गया। चले एक मल्टीप्लाई वाला भी देखे बेटा, उससे शायद थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएं आपकी। ये समझ में आया तुम्हारा भाई बेसिक, ये तुम्हें ये इतनी बात क्लियर नहीं है कि पावर अगर ऊपर जाती है तो माइनस थ्री हो जाती है, तो हो गया। चले अब देखें, सर इसमें हाँ बोलो बोलो। और अगर x का पूछता, हाँ तो केवल x वाला देखते कि कहाँ x दे रहा है, समझ रहे हो। जैसे बोलना एक बार टर्म क्या लिखा था, 1 प्लस 2x, नहीं माइनस 2x प्लस, फिर क्या लिखा हुआ था, 1 माइनस प्लस 3x स्क्वायर, 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x। चले अगर जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने कहा इसमें केवल x का गुणांक बताना है, यहां देखो क्या बताना है, x का गुणांक। तो किन किन का गुणा करने पर x मिलेगा बोलो, 2x का और 1 का। जब इसका और इसका गुणा करोगे तभी तो x मिलेगा, तो इसका और इसका गुणा किया कितना आएगा, माइनस 2x। तो इसमें x का गुणांक कितना है, तो माइनस 2 लिख लिया। और किसका गुणा करने पर x मिलेगा बोलो, इसका भी तो बेटा इसमें मिलेगा, ये भी इसका इसमें माइनस 2 आया, और इसका इसमें करोगे तब भी तो माइनस 2 आ रहा है, तो माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4। समझ में आया नहीं। अच्छा अब तुम बताना, मैं कहूं बेटा x क्यूब का गुणांक बताओ, किसका बताओ, किस किस का गुणा करने पर x क्यूब आएगा, वो बोलेगा इसका गुणा किस में करोगे, 1 में, तो कितना आएगा, माइनस, माइनस भी लगा है, माइनस 4 और
बोल बोल भाई, एक्स की हाँ 2x और इसका तो 2 माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, तो इसका गुणांक कितना है? 2 माइनस 2 और कहाँ पे होगा? और बोलो 3x स्क्वायर का कहाँ पे करोगे? इसमें, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, 3 दूनी -6 तो बस बेटा ये गुणांक हो गया, 6 4 10 2 -12 गुणांक हो गया। समझ में आ गया है? नहीं अब है तुम्हें? चलो भाई, अब देखे बेटा, अभी हमने अपॉन वाला देखा, क्या देखा? डिवाइड में था। अब जरा मल्टीप्लाई वाला देख ले, जैसे क्वेश्चन दिया है, कोई क्वेश्चन अच्छा सा मिल जाए। ये 1 + 2x की पावर 6 और 1 - x की पावर 7 क्या दिया हुआ? 1 - x की पावर 7 कह रहा है x की पावर 5 का कोफिशियंट बताना है। किसका? x की पावर 5 का। तो अगर 5 तक है तो 5 तक तो कम से कम इसका वो करना पड़ेगा एक्सपेंशन, इसका भी करना पड़ेगा। क्लियर? तो चले इसको करते हैं। क्या हो जाएगा? 6c 0, 1 की पावर नहीं लिखते हैं। 2x की पावर कितना हो जाएगा? 0। फिर 6c 1, 2x की पावर 1। एक गधों, सेकेंड टर्म लिख रहे हैं बेटा, नीचे वाली पावर आएगी। अच्छा सेकेंड टर्म, मुझे क्या पता तुम्हें? मतलब सर पहले फर्स्ट फिर सेकेंड लिखना है ना, इसलिए 6c 2, 2x की पावर 2, 6c 3, 2x की पावर 3, 6c 4, 2x की पावर 4, 6c 5, 2x की पावर, बस यहीं तक करो क्योंकि मिलेगा तो यहीं तक मिलेगा, x की पावर 5 यहीं तक करते हैं। ऐसा ही अब क्या करते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा? 7c 0, 1 की पावर तो छोड़ो, -x की पावर 0, और -x की पावर 0 का मतलब कितना हुआ? 1, तो वो मत लिखते हैं। चलिए अब क्या आएगा, 7c 1, -x की पावर कितना होगा? 1, तो 1 आएगा तो माइनस बाहर लगा दूं या नहीं? बोलो बेटा, क्यों बाहर लगा दूं? फिर क्या हो जाएगा, 7c 2, -x का होल स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर होगा, फिर 7c 3, -x का क्यूब होगा तो माइनस आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा? फिर 7c x की पावर 4, इसका माइनस गायब हो जाएगा, फिर क्या आएगा? 7c 5, -x की पावर 5 आएगा तो ये क्या आ जाएगा? -x की पावर 5। इसे यहीं तक करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब किन किन का मल्टीप्लाई करने पर हमें बेटा क्या मिलता है? x की पावर 5। बोलो, अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें, क्योंकि यहां तो 0 1 है ना, इसको 1 लिख दें? लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि देख तो लिया ही है कि पहले क्या लिखा था फिर क्या लिखा था। 1 1 क्या हटाई दो उसे, ठीक है, क्यों लिखना है? इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो क्या आएगा कोफिशियंट? माइनस का 6c 0 × 7c 5। बोलो हाँ या ना? अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे कि x की पावर कितना मिल जाए? 5। इसके साथ करोगे या नहीं? तो क्या बच रहा है? पहले तो 2 बच रहा है, ये +2 × 6c 1 × 7c 4। बोलो हाँ या ना? क्लियर? अब किसका? इसका। इसका मल्टीप्लाई कहाँ करोगे? यहां पर। तो कितना आएगा बोलो जरा? 2 नहीं, पहले 2 का स्क्वायर है, 4, और माइनस आएगा 4, 6c 2 × 7c 3। इज इट क्लियर? अब कितना आएगा बोलो टोपी लाल, तुम कितना आएगा? कर मत दो, तुम हमें बताओ कितना आ जाएगा, मुझे बस इतना बताओ। 8, हाँ, +8 6c 3 +7c 2 है, प्लस नहीं, इनटू। क्लियर? हाँ, अब कितना आएगा तुम बताओगे बेटा? चलो
अब बेटा ये है माइनस वाला आएगा, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और 6c4 इंटू 7c1, क्लियर, समझ में आया। फिर इसका मल्टीप्लाई किस, ये हो गया, अब ये इसका मल्टीप्लाई कहां होगा, यहां, तो 2 की पावर 5 कितना हुआ 32, प्लस का है ना 32 और 6c5 और 7c0, इज इट क्लियर, समझ में आया है नहीं क्या, अभी वो कर रहे हैं, इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, 6c0 की वैल्यू 1, 7c5 की कितनी होगी, निकालना पड़ेगा 7c2 निकाल लो बेटा, 7×42 = 21 कितना होगा, तो ये कितनी हो गई -21, क्लियर। यहां देखें 2 लिखा हुआ है, 6c1 की बेटा कितनी होगी 6c1 की 6, nc1 की n होती है, 6c1 की कितनी होगी 6, 7c4 की कितनी होगी बेटा देखें 7×6×5/3×2×1, तो ये कट गया बेटा कितना हुआ 35, कितना हुआ 35, गुणा में है ये सारे, क्लियर। अब यहां पे आ जाओ, -4×6c2 कितना होगा 6×5=30/2 15, और बेटा जितना ये 7c3 होता है उतना ही तो 7c4 होता है, बताया था, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 35, तो 35 ही इसकी आएगी, क्लियर। हाँ भाई, क्यों आएगी 35, वो 7c3 का लगाता है ना, तो ये 7c4 ये बन गया, फोर बाय टू नहीं आया 100c98, क्लियर, आ गया समझ में, तुरंत लिखते ही क्लियर। चले +8×6c3 की बेटा कितनी होगी 6×5×4, फिर 3×2×1, इससे एक कैंसिल हो गया कितना आ गया 20, और 7c2 की जितनी 7c5 की होगी उतनी ही तो 7c2 की होगी, क्लियर, क्योंकि 7 में से 5 घटाओगे 2 कितना आ रहा था 21, तो 21 हो जाएगी। चलिए फिर क्या बचा है -16, 6c4 की कितनी होगी जितनी 6c2 की होगी, 6c2 की कितनी थी 15, तो यहां पे 15 हो जाएगा, और 7c1 की 7, फिर क्या आया +32, 6c5 की कितनी होगी 6, क्योंकि 6c5 को क्या लिखोगे 6c1, तो 6 हो जाएगी, और 7c0 की 1, क्लियर, इसे जोड़ घटा के आप लिख लेना जितना आंसर आ जाए। चलिए नोट कर लीजिए इसे, क्या नोट क्यों नहीं कर रहे हो बेटा, इतना टाइम नहीं होता, जल्दी किया करो। अब केवल तुम्हें बेटा क्वेश्चन नोट करना है, और यहाँ तक ये खुद करना कैलकुलेशन, क्योंकि नोट कर लेते हो तुम लोग फिर कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, कैलकुलेशन खुद से करना सीखो, और इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, केवल एक्सपेंशन करना है, जैसे वहां अभी बताया था √2+1^6 और √2-1^6, वहां पे हमने ऐड किया था, यहां पे क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। अच्छा अगर एक्स क्यूब का पूछ देते तो बेटा जिनको जिनका गुणा करने पर एक्स क्यूब आता उनको ऐड कर लेते, समझ गए ना, तो डिवाइड वाला भी हो गया मल्टीप्लाई वाला भी हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन, तो ये कोफिशिएंट खत्म हो गया, कुछ बच्चे कर रहे हैं अभी, आज तो क्लास कम ही लग पाई है, 2-3 क्वेश्चन ही हो पाए कल ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर आज नहीं हो पाएगा, देखते हैं अगर हो भी जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद सारा इजी है, इतना एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा उसमें। ये सब का पेपर आता है ऐसे टाइम पास, वो तो फिजिकल होता है आर्मी वगैरह में, तो मेन नेवी एयर मुझे पता है, हाँ तो वो ऐसा ही होता है बेटा, और इसका
अभी तुमने MR का नहीं देखा मेरे, मैंने जब MR का दिया था उसमें मैं बताऊं क्या क्या आया था। दो क्वेश्चन मुझे आज भी याद हैं कि भारत के उस उपराष्ट्रपति वर्तमान समय के, तब हामिद अंसारी थे 2017 में, और ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, कलकत्ता। तो ये क्वेश्चन मुझे दो अच्छी तरह याद है कि ये आया था। तो उसमें बेटा जो मेन होता है कि पोस्ट के हिसाब से होता है। जगदीप धनखड़, हाँ अब हैं जगदीप धनखड़, पहले थे हामिद अंसारी। मैं तो तुम लोगों से पुराना हूँ ना। चलो हो गया भाई, चलिए अब डालो बेटा सम ऑफ कोएफिशिएंट, गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योगफल। अच्छा बेटा एक कमाल की चीज बताऊं, गुणांकों का योगफल ही, जैसे इसमें अभी हमने कहां तक इसको एक्सपेंड किया था, 6C5 तक, फिर अगर पूरा कर देते इसको 6C6 तक और इसको भी 7, अगर हम इनका गुणांकों का योगफल पूछते तो बेटा गुणांकों का योगफल निकालने के लिए जितना वेरिएबल होता है उसकी जगह 1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 1। सपोज ये क्वेश्चन दिया है जैसे कि 3x² - 1/x² 9, इसमें गुणांकों का योगफल बताओ, क्या बताओ? गुणांकों का योगफल। तो x की जगह क्या रखना है हमको? 1। तो x की जगह 1 रखा तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 1^9, तो 2^9, यही तो होगा, ये आंसर हो गया, क्लियर। अच्छा अब जैसे अगर इसका पूछे तो इसमें भी x की जगह 1 रखेंगे या नहीं, तो कितना हो जाएगा? ये इससे मतलब ही नहीं है, इसमें रख दोगे 0 हो जाएगा, और इसमें कुछ भी बना रहे तो आंसर क्या होगा? 0। तो अगर हम सारे गुणांकों को जोड़ते, सभी अगर पूरा प्रसार करते तो उसका आंसर कितना आता? 0। बात समझ गए या नहीं? इससे मतलब क्या नहीं था? किससे? अरे भाई मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में जब ये 0 हो रहा है तो ये कितना भी बना रहे तो 0 नहीं हो जाएगा भाई, क्लियर। नोट करो इसे जल्दी। तो गुणांकों के योगफल में क्या करना है आपको, जितने भी वेरिएबल हो सबकी जगह क्या रखना है? 1, क्लियर। एक क्वेश्चन में ढूंढ के बताता हूँ, जैसे ये है, इसमें बताओ बेटा 1 + x - ये काफी आता है बेटा आपके एग्जाम में, कि पावर 2 1 6 3, इसमें बताओ, और 5x - 4y / 27, और इसमें बताओ 2x + y - z / 0। इसमें नहीं, चलो ये छोड़ो, ट्रिपल वाला तो कहाँ, ये दोनों बताओ। चलो भाई ऊपर क्या हो जाएगा? 1 रखोगे बेटा, 1 + 1 - 3, तो कितना हो जाएगा? -1^2 1 6 3। अच्छा बेटा ये बताओ 2 1 6 3 इवन है या ऑड है, सम है या विषम है? विषम है, और -1^2 अगर विषम संख्या तो होगी तो कितना आंसर आएगा? -1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -1, क्लियर। इसमें बोलो इसमें आंसर कितना होगा? इसमें +1 हो जाएगा, क्लियर। समझ गया नहीं? क्योंकि दोनों की जगह 1 1 रखोगे तो ये क्या हो गया? गुणांकों का योगफल। बात समझ में आई है नहीं? चले इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। अच्छा पहले नोट कर लो जल्दी से, अब फास्ट चलेंगे थोड़ा बेटा, क्योंकि इसके बाद अब तो इजी है, अब कैलकुलेशन नहीं है उतनी। अरे एक क्वेश्चन रह गया, चलो मैं अभी बता दूंगा उसे, करना घर से ही है तुम लोगों को वो। हो गया, लिखो। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ही गायब हो गया। लिखो बेटा, यदि 1 - 3x + 10x² / n, यदि 1 - 3x + 10x² / n में गुणांकों का योगफल कैपिटल A,
गुणांकों का योगफल ए है तथा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर एन के गुणांकों का योगफल बी है तब ए तथा बी में संबंध ज्ञात कीजिए। लिख लिया बेटा? क्यों लिखे बेटा? देखें क्या लिखा है, दिखाना बेटा। इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर की होल पावर एन इज ए एंड सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर एन इज बी देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी देखें। अच्छा इसके गुणांकों का युगफल बताओ भाई, बोलो कितना होगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा? एक कहां से हो जाएगा गधे? a है तो x की जगह एक वन तो रखो, तो वन रखेंगे जब x इज इक्वल टू वन तो ये क्या हो जाएगा 10 एक 11 11 में से 3 जाएगा 8 तो 8 की पावर n, बोलो हाँ या ना। दूसरा क्या दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n में कितना है b, तो ये कितना हो जाएगा इसमें रखो 2 की पावर n, बोलो हाँ या ना। अच्छा इसे क्या लिख सकते हो, a बराबर 8 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3n, बोलो हाँ या ना, क्लियर। अच्छा इतने की जगह बेटा क्या लिख सकते हो 2 की पावर n की जगह b लिख सकते हो या नहीं? तो a बराबर क्या हो गया b क्यूब, ये आंसर आ गया, क्लियर नोट कर लो। कंपैरिजन कर सकते थे किसका? तो कंपैरिजन ही तो किया है ये, और क्या किया है? 3n बराबर n हो जाता। 3n बराबर n नहीं, कंपैरिजन क्यों करेंगे भाई, कंपैरिजन क्यों करेंगे? उसने कहा संबंध बताओ, संबंध घातों का थोड़ी करोगे, पूरे का करोगे भाई। अगर हम में और तुम में बेटा बराबरी या कमियां निकालनी है तो पूरा देखोगे, ये थोड़ी थोड़ा थोड़ा देख लो बस, सर देख लो भैया, इसके सफ़ेद बाल है, इसके करिया बाल है, इसके भूरे बाल है, ये थोड़ी देखो भाई, ये टकला है, ये गंजा है भाई, ऐसे चलता है क्या? किसी के लाल बाल हैं, किसी के हरे हैं, देखो उसके कैसे कराए, ये चंद्रमुखी बना है। चलो हो गया भाई, चलिए हो भगवान। लेकिन एक क्वेश्चन और, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस 1 की पावर 51 के प्रसार में लिखो, मतलब ऐसे बैठे गधे, स्केल कहाँ गई मेरी, आराम फरमा रहे हैं। अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस 1 की पावर 51 के प्रसार में सभी गुणांकों का योग विलुप्त है, सभी गुणांकों का योगफल विलुप्त है तब अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस 1 की पावर 51 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। चलिए क्लियर, तो गुणांकों का योगफल कैसे निकालते हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट सी अपॉन ए। अरे गधे, ये किसने बता दिया सी अपॉन ए गुणांकों का योग? क्यों बेटा नाम डुबा रहे हो, गजनी हो एक तो तुम लोग, गजनी मूवी देखी है? वो हर 10 मिनट में बात भूल जाता था, वो लिख लेता था, ऐसे तुम लोग अभी बताया 2 मिनट पहले कि जितने वेरिएबल होते हैं उनकी जगह 1 पुट करते हैं, भैया कह रहा है कि सी अपॉन ए, तो एक्स की जगह कितना रख देंगे 1, एक्स की जगह 1 रखा तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 की पावर 51।
अब ये गुणांकों का योगफल है, ये कह रहा विलुप्त है, विलुप्त का मतलब इसका मान क्या है, जीरो। तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। अच्छा ये किसका फॉर्मूला हुआ, ये अंदर लिखा है अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, बराबर जीरो। तो अल्फा माइनस वन बराबर जीरो लिख सकते हैं, क्लियर। तो अल्फा बराबर वन आंसर हो गया, क्लियर, नोट कर लो। गजनी मतलब सी अपॉन ए किसने बता दिया, अभी नाम डुबाने में लगे। क्यों भैया ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, जैसे ये लिखा है 99 की पावर 4, हाँ इसे क्या लिखोगे, 100 माइनस 1 की पावर 4, और एक्सपेंशन कर दो 4c0 प्लस 4c1 कहाँ तक, 4c4 तक आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर ये लिखा हो 1.01 की पावर 4 तब क्या लिखोगे इसे, 1 प्लस 0.1 की पावर 4, इसे भी एक्सपेंशन करोगे 4c0 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 4c4 तक। क्यों खान साहब तुम्हें आ जाएगा ये हाँ? अरे हंसो नहीं, ये आ जाएगा या नहीं भाई, NC4, NC3, NC2, हाँ हाँ वैसे ही करेंगे। प्रसार करना तुम लोग अभी तक सीख नहीं पाए, रटते हो। एक तो मैं बता तो रहा हूँ, ग्वालियर का सबसे बेहतरीन टैलेंट अगर देखना है तो यूनाइटेड एकेडमी आ जाए कोई, एक से एक मिल जाएंगे भाई, जो 10-10 मिनट में भूल जाते हैं, 10 मिनट छोड़ो 1 मिनट में, उन्हें पता नहीं है प्रसार निकाल रहे हैं कि जनरल टर्म निकाल रहे हैं। बेटा एक बात समझ लो कि जो बच्चे डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर से NDA, नेवी, एयरफोर्स, जो टेक्निकल लाइन है, अगर इनमें आप लोगों का इन केस अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप बेटा ये मान के चलना कि सरकारी नौकरी के लिए तुम्हें इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे कि पूछो मत। क्योंकि प्रॉब्लम है ना उसके साथ बेटा, क्योंकि आपने अभी तक टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, फिजिक्स मैथ इंग्लिश, और कोई भी एग्जाम बता दो जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट आते हो, कोई भी देख लो, रेलवे, बैंकिंग, SSC, पटवारी, चपरासी, कुछ भी हो, वो ना टॉयलेट साफ करने वाला भी होता ना, उसमें भी बेटा वो अर्थमेटिक रीजनिंग आती है। अब समझो, तो आपने टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो अगर इसमें जॉब लग गई तो भाई ठीक है, वरना भाई समझ लेना, तो इतना पढ़ लो कम से कम कि हमारे जैसे पढ़ाने लगना अगर नहीं आता है कभी कुछ, समझ रहे हो। चलो तो गुणांकों का योगफल समझ में आ गया है नहीं, yes, चलिए अब देखें बेटा एक चीज बताओ, गुणांकों का योगफल यही तो होता है, NC0, NC1, NC2, NC3 कहाँ तक चलता है ये, NC, तो इसका पूरे का योगफल कितना हो जाता है, 2 की पावर n, कितना 2 की पावर n। क्यों, जैसे मैंने कहा a प्लस बी की पावर n में बेटा गुणांकों का योगफल बताओ, तो क्या रखोगे, a की जगह 1 और b की जगह 1, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर n, तो यही तो आता है, तो गुणांक यही तो होते हैं NC0, NC1, NC2, क्योंकि इसका वो आप एक्सपेंशन करोगे तो यही तो आएगा NC0 a की पावर बेटा n आएगा, b की पावर फिर 0 आएगा, फिर NC1 आएगा, तो यही तो गुणांक हो रहा है बेटा, इन्हें जब सबको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 2 की पावर n। बात समझ में आई या नहीं आई। अब अगर बेटा इनमें अल्टरनेट, हाँ ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बिना मुंडी का दिया हो, ऐसे ऊपर की वैल्यू ना दी हो, आप लोग डर जाओ, बोले भूत आ गया ये बिना मुंडी का, ये भाई मुंडी का आया है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि भाई उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, उसके ऊपर कोई नंबर लिखा होगा, तो ये ऐसे भी आ सकता है C0 + C1 + C2 + C3 कहां तक, C की पावर n तक = 2 की पावर n। अगर अल्टरनेट में आ गया, मान लो ये लिखा है NC0 प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का, तो आंसर कितना होगा 0, क्योंकि सारे कैंसिल हो जाएंगे बेटा,
NC0 से कौन कैंसिल होगा? NCN लास्ट में. NC1 से कौन कैंसिल होगा? NCN माइनस वन. NCN माइनस वन, क्लियर? तो ये सारे कट के क्या हो जाएंगे? जीरो. इन केस बेटा अगर मान लो इवन नंबर आ गए, जीरो, फिर NC2, NC4, अगर ये आ गए तो आंसर आपका क्या होगा? 2 की पावर n माइनस वन. क्या होगा? 2 की पावर n माइनस वन. अगर बेटा ऑड आ गया, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ गया तो 2 की पावर तब भी क्या होगा? n माइनस वन. बात समझ गए या नहीं? क्लियर? नोट कर लो पूरा. ओ भैया पढ़ लो, हौसला रखो, हौसला हो जाएगा सिलेक्शन. कहते हैं ना, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते. हर ताकत, हर मुश्किल में ताकत की दवा देते हैं, समझ रहे हो? तो हौसला रखो बेटा. आज चार साल की है जॉब, हो सकता है तुम्हारी जीवन भर की लग जाए. क्योंकि बेटा अगर अप्लाई ही नहीं करेंगे बच्चे, देख तो रहे हो मार्केट कितने कम बच्चे एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के लिए आ रहे हैं, समझ रहे हो? और हर बच्चे में इतना टैलेंट तो है नहीं कि वो एनडीए डायरेक्ट फाइट कर ले. एनडीए में भी पोस्ट कितनी होती हैं? 450, उसमें भी कुछ रिजर्व होती हैं. बच बचा के आपके कितनी निकलती हैं? 375 शायद, इतनी निकलती हैं. 75 पोस्ट तो और के नेपाल वगैरह के लिए होती हैं, समझ रहे हो? जितनी भी होती हों, 450 में क्या हो रहा है? करोड़ों बच्चा डाल रहा है, लाखों, करोड़ों तो नहीं. चले भाई देखें बड़ा, जैसे क्वेश्चन कभी ये थ्योरी वाला भी आ जाता है, क्या कहेगा? जैसे ये कहेगा, सुनना. अच्छा, इसमें अगर वो पूछे वन प्लस एक्स की पावर एन, गुणांकों का योगफल, सम ऑफ कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? टू की पावर एन. लेकिन अगर वो पूछे सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड पावर्स, ऑड पावर्स का मतलब विषम घातों का, तब कितना होगा? विषम घातों का अभी लिखवाया है, ये लिखा है 2 की पावर n माइनस वन. तो वो थ्योरी में भी लिख के दे सकता है इस चीज को, जरूरी नहीं वो इतना ही पूछे बोले तब बताओ आंसर. वो ऐसे भी देगा सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट विथ ऑल ऑड पावर्स, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस वन. समझ गए ना? चलिए अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस. बेटा इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बोलो आंसर क्या होगा? 2 की पावर n माइनस वन. अरे गधे, कहाँ 2 की पावर n माइनस वन दिख रहा है? पूरा जीरो से तो स्टार्ट हुआ, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 15. क्लियर? ये लिखा हुआ है, बोलो कितना हो जाएगा आंसर? जीरो. क्लियर है ना? अच्छा
इसका बोलो आंसर। हाँ अच्छा, इन दोनों को नोट करो फिर मैं बताता हूँ जल्दी से। नहीं होगा, जल्दी करें पहले। बेटा तुम लोगों को बुद्धि नहीं है। मैंने क्या बताया, एन माइनस वन कब होता, जब 0, 2, 4, 6, 8 या तो पूरे ऑड हो, पूरे इवन हो या फिर पूरे ऑड हो। यहाँ पे इवन भी दिख रहा है, ऑड भी दिख रहा है, तो कैसे तुक्के मार रहे हो। अब मैं बता रहा हूँ, जल्दी से नोट करो। बैठा क्यों रहता है दे? बैठे हैं, मजा रहे हैं वैसे। कल PNC स्टार्ट हो जाएगा। चले हो गया, अच्छा इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन इसकी बताओ। अच्छा इसकी बोलो, 2 की पावर 4 14 कितनी होगी, 2 की पावर 14। हमसे कितनी पूछी, 1 से लेके 13 तक। अच्छा बेटा इसके पहले होगा ना 14C 13, क्यों होगा या नहीं। अब हमसे इतनी वैल्यू पूछ रहा है वो, क्यों, तो इन दोनों को घटा दो ना उधर जाके, सिंपल सी बात। तो 14C 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और 14C 14 की 1, तो 1 कितना हो गया, 2, तो उस तरफ जाके घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 14 माइनस 2। आपको ये नहीं लिख देना 2 की पावर 12 से, वो घात में नहीं घटा है, पूरे में से घटा है। क्लियर, नोट कर लो। या फिर इसे क्या लिख सकते हो, 2 कॉमन ले लो, 2 की पावर 13 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर, हाँ अच्छा, तुम्हारे सही और उससे चलेगा। चलो हो गया भाई, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ध्यान से समझना ये क्वेश्चन को। तो अगर बेटा वो यहां से पूछ देता हमसे 14C 0 से यहां तक, तब क्या करते, केवल इसको घटा देते केवल, तो 2 की पावर 14 माइनस 1, जितना पूछे बेटा उतना घटा देना हमें। क्लियर है ना, जैसे ये क्वेश्चन दिया बेटा, इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन है। बस बेटा 4-5 क्वेश्चन की बात है और है, या फिर कल ही खत्म करेंगे, टाइम हो गया है। देखें ये लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है। जैसे ये लिखा है 21C 0, 21C 1, 21C 2, 21C 10, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इसको सिग्मा 21C R और R इज इक्वल टू 0 से लेके 10 तक। इसका मतलब क्या हुआ, पहले R की जगह कितना रखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, कहाँ तक, 10 तक। क्लियर, हमें इसकी वैल्यू पता है क्या, 2 की पावर 9 आ रही है। क्या बात है, देखो तर्क देखिए आप, आर्यभट्ट बैठे साक्षात, टकला भी है। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्यभट्ट भाई टकले, भाई तुम करा लो शायद उनकी बुद्धि मिल जाए तुम्हें, सुबह शाम उनके पैर वैर छू के आया करो भाई तुम लोग, कहाँ पर है कहाँ पर है, घर में मंदिर बना ले भाई, एक अपने द्रोणाचार्य का बना लिया था, क्यों तुम बना लो आर्यभट्ट का। देखें अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो भाई, 2 की पावर 21
जबकि हमें कहां तक निकालनी है? 10 तक. 10 तक. ओके बेटा, इसमें बीच में ये आएगा 21c10. ये भी आएगा जी सर. ये भी आएगा, बोलो आएगा या नहीं? यस सर. क्लियर. अच्छा देखते हैं, 21c 21c1 21c2 .. 21c10. बेटा इसे क्या लिख सकते हो अब? और जैसे मैंने कहा 100c98 को और क्या लिख सकते हो? 100c2. कैसे किया? इसे लिख सकते हैं, घटा दिया ना 100 में से, तो ऐसे ही इसको भी घटा सकते हैं. 21 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 11. अरे गधे. अरे मतलब 10 जाएगा तब. फिर 11 देखो तो. और यहां क्या बचेगा? 21 में से 21 जाएगा 21c0. बेटा ये देखो, हर टर्म डबल हो गया. 21c0 वहां भी 20, उसके पहले क्या होगा? 21c1 फिर 20c2. देखो यहाँ 21c10 तक खत्म हुआ और ये यहां से पीछे से आया, तो हर टर्म क्या हो गया? डबल हो गया ना. तो दो कॉमन ले लेंगे बेटा या नहीं? यस सर. तो क्या बचेगा? 21c0, 21c1, 21c2 और कहां तक? 21c10 तक. इक्वल टू कितना है? 2 की पावर 21. बोलो हाँ या ना? yes, हमें कितने की? इतने की वैल्यू चाहिए या नहीं? तो बेटा ये 2 का भाग हो जाएगा यहाँ पे या नहीं? तो क्या हो जाएगा? 21c0 प्लस 21c1 प्लस 21c2 .. 21c10 2 की पावर 21 / 2 होगा या नहीं? और बेटा 2 की पावर में कितना है? 1. तो 1 घात कम हो जाएगी. आंसर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 20. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ये होगा आंसर. आर भट्ट जी बता रहे थे 2 की पावर 9. समझ रहे बेटा? ये बात समझ लो कि हम आंसर किसका निकाल सकते हैं, जहां से सीरीज स्टार्ट हुई और जहां पे खत्म होती है. जितने से स्टार्ट हुए, 21 से शुरू हुई तो 21 ही यहां होना चाहिए, हमें उसी का आंसर पता होता है. देखो हमने उसी का तो लिखा या नहीं? तब हमने जाके उसका निकाल पाया. क्लियर? तो इस फॉर्म में भी हो सकता है, इसको 3 स्टार लगा लेना, नोट कर लो जल्दी से. ठीक है, आज के लिए इतनी ही क्लास बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.